वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेस्टॉक चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब की तरफ से यूट्यूबर्स को मिलने वाले अवार्ड के बारे में। हाल ही में मुझे यहां पर अब मेरे दूसरे चैनल के लिए यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले अवार्ड यहां पर मिला है, और आज के इस वीडियो में आपको यहां पर यही सब जानकारी देने वाला हूं कि यूट्यूब की तरफ से कब कौन सा अवार्ड आपको यहां पर दिया जाता है, उसके लिए कितना खर्चा लगता है, कितना टाइम लगता है, कितना माइलस्टोन पूरा करने पर आपको यूट्यूब की तरफ से अवार्ड दिया जाता है। तो आप ये सब जानने के इच्छुक है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, और इसी तरह से यूट्यूब ब्लॉगिंग मेक मनी टिप्स एजुकेशनल हेल्पफुल टेक्निकल नॉलेज के लिए हमारे चैनल सेस टॉल्को को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बात सेस के साथ। तो दोस्तों वैसे तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर कब यूट्यूबर्स को क्या क्या मिलता है इसको लेकर एक पर्सनल वीडियो यहाँ पर बना रखा है, जिसमें मैंने सारी जानकारी दे रखी है कि यूट्यूब पर जीरो सब्सक्राइबर से लेकर मिलियंस में सब्सक्राइबर होने तक यूट्यूब की तरफ से कब कब क्या दिया जाता है। लेकिन उसमें मैंने यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया है चैनल में आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है उसको लेकर। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर पर्सनल तौर पर बात करेंगे यूट्यूब अवार्ड को लेकर कि यूट्यूब के अवार्ड कब कब यहाँ पर मिलते हैं। तो यूट्यूब की तरफ से सबसे पहला अवार्ड दिया जाता है सिल्वर प्ले बटन का अवार्ड। सिल्वर प्ले बटन जो कि आपको 100 के सब्सक्राइबर्स यानी कि 1,00,000 सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पर पूरे होने पर मिलते हैं। जब आपके चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, यूट्यूब की तरफ से आपको एक लिंक भेजा जाता है। यदि यूट्यूब की तरफ से आपको एक महीने के अंदर यहाँ पर कोई लिंक नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर यहाँ पर उनसे मेल कर सकते हैं, उनसे चैट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हमारे चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं लेकिन यूट्यूब की तरफ से उन्हें सिल्वर प्ले अवार्ड अप्लाई करने के लिए कोई लिंक कोई कोड नहीं मिला है। ऐसे में आपके चैनल को यहाँ पर यूट्यूब की तरफ से फिर से पूरा चेक किया जाता है कि कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक तो नहीं है, कोई ऐसे वीडियो तो नहीं है जो उनकी पॉलिसी को उल्लंघन करते हैं, और पूरा चेक करने के बाद यूट्यूब की तरफ से आपको यहाँ पर एक कोड एक लिंक भेजा जाता है। उस लिंक पर क्लिक करके उस कोड को फिल करके आप यहाँ पर अपने सिल्वर प्ले अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सारी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पर बता रखी है। जब आप सिल्वर प्ले अवार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उससे 15 दिन बाद में आपको यहाँ पर आपका सिल्वर प्ले अवार्ड आपके उस एड्रेस पर रिसीव हो जाता है जहाँ पर आपने आवेदन भरते समय या ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय जो एड्रेस यहाँ पर दिया था। इसके पहले आपको यहाँ पर अवार्ड रिसीव करने के पहले जब अवार्ड आपकी कंट्री में आता है तब आपको उसकी KYC प्रोसेस करनी होती है। इसके लिए भी आपको यहाँ पर मेल किया जाता है और उस मेल में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मंगाए जाते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि आप वही पर्सन है जिसके लिए ये यूट्यूब का अवार्ड यहाँ पर आया है, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, इस तरह से आपका पहचान पत्र और आपका एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं। तो कुल मिलाकर जब आपके YouTube चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पर पूरे होते हैं उसके एक महीने तक आपको यहाँ पर इंतजार करना है कि YouTube की तरफ से कोई लिंक कोई कोड आपको यहाँ पर भेजा जाए। यदि मिल जाता है तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इस वीडियो को देखकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि नहीं मिलता है तो आप YouTube को खुद यहाँ से मेल करेंगे, उनसे चैट करेंगे और उनसे जो है आपका कोड या लिंक उनसे मांगेंगे और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर आपको यहाँ पर आपके YouTube चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर होते हैं उसके 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको यहाँ पर आपका YouTube का अवार्ड सिल्वर प्ले अवार्ड यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद YouTube की तरफ से दिया जाने वाला दूसरा अवार्ड है गोल्डन प्ले अवार्ड। गोल्डन प्ले अवार्ड आपको अपने चैनल पर 1,000,000 सब्सक्राइबर यहाँ पर पूरे करने के बाद मिलता है, और ये गोल्डन प्ले अवार्ड की सेम प्रोसेस इसी तरह से होती है। जब आपके चैनल पर 1,000,000 सब्सक्राइबर होते हैं तब आपको YouTube की तरफ से लिंक भेजा जाता है, उसमें एक आवेदन आपको फिल करना होता है और उससे 15 से 20 दिन के बाद आपके जो एड्रेस आपने दिया है उस पर आपका गोल्डन प्ले अवार्ड आपको यहाँ पर रिसीव हो जाता है। इसी तरह से जब आपके चैनल पर 10,000,000 सब्सक्राइबर होते हैं, 10,000,000 सब्सक्राइबर होते हैं, तब आपको यूट्यूब की तरफ से डायमंड प्ले अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है, और इसकी भी सेम प्रोसेस यहाँ पर होती है कि आपको यहाँ पर YouTube की तरफ से एक लिंक भेजा जाएगा, आवेदन आपको फिल करना होगा, और आवेदन फिल करने के बाद आपके 15 से 20 दिन के बाद आपका डायमंड प्ले अवार्ड यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। इसी तरह से जब आप अपने YouTube चैनल पर 50,000,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेते हैं तो आपको कस्टम प्ले बटन यहाँ पर दिया जाता है, यानी कि आपका जो YouTube के चैनल का जो लोगो होता है कुछ उसी डिजाइन में आपको YouTube की तरफ से यहाँ पर एक बटन बना कर दिया जाता है, और इसके लिए आपको अपने चैनल पर 50,000,000 सब्सक्राइबर यहाँ पर पूरे करने होते हैं। ये कस्टम प्ले बटन पाउडीपाई और टी सीरीज जैसे चैनल को पहले से यहाँ पर मिल चुका है। इसके बाद यूट्यूब की प्लानिंग 100,000,000 सब्सक्राइबर पर भी यहाँ पर अवार्ड देने की है, लेकिन अभी तक इस बात की जानकारी खुलकर यहां पर नहीं मिल पाई है कि किस तरह का यह अवार्ड होगा। जिनके चैनल पर
100 मिलियन यहाँ पर सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, उनको किस तरह का अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन अवार्ड यहाँ पर देने की तैयारी यूट्यूब की तरफ से है। जैसे कि टी सीरीज के यहाँ पर 100 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे काफी दिनों से हो चुके हैं और उनके लिए यहाँ पर यूट्यूब की तरफ से अवार्ड भेजने की बात कही जा रही है, लेकिन किस तरह का ये अवार्ड होगा ये अभी यहाँ पर जानकारी में नहीं है। इसके अलावा यूट्यूब अवार्ड को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में यहाँ पर होते हैं, जैसे कि यूट्यूब अवार्ड के नाम है सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, डायमंड प्ले बटन। तो लोगों को लगता है कि क्या सिल्वर प्ले बटन पूरा सिल्वर होता है, गोल्डन प्ले बटन में पूरा गोल्ड यानी कि सोना होता है, और डायमंड प्ले बटन क्या डायमंड यानी कि हीरे का बना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन अवार्ड के ये नाम है, इन अवार्ड का ये कलर यहाँ पर इस तरह का होता है, लेकिन ना तो सिल्वर प्ले बटन में सिल्वर होता है, ना तो डायमंड प्ले बटन में डायमंड होता है, और ना ही गोल्डन प्ले बटन में यहाँ पर गोल्ड लगा होता है। दूसरा जो सवाल यहाँ पर यूट्यूबर्स के मन में सबसे ज़्यादा गूंजता है वो ये है कि इसके लिए कितनी प्राइस, कितना भुगतान यहाँ पर करना होता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, चाहे आप सिल्वर प्ले अवार्ड ले रहे हो, गोल्डन प्ले अवार्ड ले रहे हो, या डायमंड प्ले अवार्ड ले रहे हो, यूट्यूब की तरफ से जब आपको कोई भी अवार्ड दिया जाता है तो उसके लिए आपसे कोई भी फीस, कोई भी पैसे नहीं लिए जाते। हालांकि इन अवार्ड की यदि कीमत मार्केट में देखी जाए तो इस तरह का अवार्ड मार्केट में मिलते नहीं है। यूट्यूब पर्सनल तौर पर इन्हें डिजाइन करवाता है और आपके लिए यहाँ पर भेजता है, लेकिन फिर भी कुछ ब्लॉग की यहाँ पर माने तो इनके प्राइस सिल्वर प्ले अवार्ड के प्राइस $1,000 से $2,000 के बीच में होता है। इसी तरह से गोल्डन प्ले अवार्ड का प्राइस $3,000 से $5,000 के बीच में होता है, और डायमंड प्ले अवार्ड का प्राइस $7,000 से $10,000 के बीच में यहाँ पर माना जाता है। लेकिन यदि मार्केट में आप खरीदने जाओगे तो इस तरह का कोई अवार्ड यहाँ पर मिलता नहीं है। यूट्यूब खुद पर्सनल तौर पर आपके चैनल का नाम, आपके नाम यहाँ पर इस तरह का अवार्ड डिजाइन करके और फिर आपको यहाँ पर जो है भेजता है। सो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आप ये जान चुके होंगे कि YouTube पर यदि काम करते हैं तो कब कितने सब्सक्राइबर होने पर YouTube की तरफ से कब कौन सा अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है, और इसके लिए क्या चार्ज लगते हैं, क्या ये सिल्वर, गोल्ड और डायमंड ओरिजिनल यहाँ पर होते हैं या नहीं होते हैं। सो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह से YouTube ब्लॉगिंग, मेक मनी टिप्स, एजुकेशनल टेक्निकल हेल्पफुल नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल से स्टॉल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा सेस्टॉक के साथ।